डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाएं। जब उसको सामने अंधेरा दिख रहा हो तो वो लोन कैसे लेगा? नहीं राजेश जी, और कितने लोगों ने आपसे लोन लिया, क्या इसका डेटा सरकार ने रखा बजट में? रखा सरकार ने डेटा? रोहित भाई, है ना रोहित जी, रात 9 बजे खबरदार देखा कीजिए, श्वेता सिंह वहाँ खड़ी है, एक एक पहाड़ी से एक एक जगह से तस्वीरें वहाँ की लाइव दिखा रही है, ये भी बता रही है कहाँ चीनी फौज है कहाँ नहीं। मीडिया में हमें बहुत से डिबेट्स देखने को मिलती हैं। डिबेट में एंकर की भूमिका अहम होती है। आज हम मेनस्ट्रीम मीडिया के एक ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ समय में भाजपा नेताओं से तीखे सवाल किए, और वो पत्रकार हैं आज तक के सीनियर पत्रकार रोहित सल्दाना। आज तक पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सल्दाना ने दिल्ली बॉर्डर पर सरकार द्वारा की जा रही बैरिकेडिंग को लेकर सवाल किए। इस सवाल के जवाब में भाजपा नेता बात को इधर उधर घुमाने लगे, जिस पर एंकर ने भाजपा नेता को टोका और सही तरीके से जवाब देने को कहा। जब चक्का जाम का नारा दिया जाए और दिल्ली के अंदर घुसने का प्रयास किया जाए उपद्रवी तत्वों द्वारा, तब ये उपद्रवी तत्व हमारे और आपके जीवन को ध्वंस ना कर सके, पार्लियामेंट पे हमला ना कर दे, इस प्रकार की बातों से बचाने का तो जिम्मा किसका है? दिल्ली पुलिस का ही है। डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाएं, और ऐसा तो कतई नहीं हुआ होगा कि अपने विपक्षी दल के नेता की सलाह पर आप कहें कि पाकिस्तान घुसा रहा है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं इसलिए हम कील लगा रहे हैं। समय पर अगर हम रक्षात्मक कार्यवाही करते हैं तो बाद में गोली नहीं चलानी पड़ेगी, बाद में किसी प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं उनसे बचाव के लिए हमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना पड़ेगा। 26 जनवरी को उपद्रवियों ने हंगामा किया, उनमें से कई लोगों को आपने पकड़ा, लेकिन जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया दीप सिद्धू का, वो तो अब तक बाहर है। अगर आप वाकई सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित पकड़ाएगा तो उस आदमी को तो पकड़ते जो रोज फेसबुक पर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन आपके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा बजट के मुद्दे पर हुई एक डिबेट में एंकर रोहित सल्दाना ने बजट को लेकर भाजपा नेताओं से तीखे सवाल किए। जब भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों पर बात करते नजर आए तब एंकर ने उन्हें बीच में टोका और सरकार द्वारा की जा रही ऐलानों पर तीखे सवाल किए, जिसका नेताजी ठीक से जवाब ना दे पाए। जो कस्टम ड्यूटी को खत्म किया, रेशनलाइजेशन किया एक्साइज ड्यूटी की, ताकि वो कॉम्पिटिटिव बने, और उनको कॉम्पिटिटिव बनाना हमारा काम है, उसके डेफिनेशन भी चेंज किया, लेकिन हमने उनको हर बार एक कथित राहत पैकेज जान देने ठोकने चाहिए और जान देने की। कोरोना काल में तो आपने राहत नहीं दी थी, आपने कहा था लोन ले लो, और लोन आदमी तब लेता है, उसकी हिम्मत तब पड़ती है जब उसको दिख रहा हो कि आने वाले दिन बेहतर होंगे तो मैं चुका लूंगा। जब उसको सामने अंधेरा दिख रहा हो तो वो लोन कैसे लेगा? नहीं राजेश जी, और कितने लोगों ने आपसे लोन लिया, क्या इसका डेटा सरकार ने रखा बजट में? रखा सरकार ने डेटा? रोहित भाई बिल्कुल, रोहित भाई आपको बताया तो आपको लगता है आपको बढ़ेगा, अगर लिक्विडिटी थोड़ा कैश में आपको चाहिए तो लोन ले लो, अगर आपको लगता है इक्विटी चाहिए थोड़ा सा, आपको इस बिटे पोटेंशियल है, आपको सरकार ने थोड़ा कैपिटल चाहिए तो कैपिटल ले लो। आज के बजट से आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क आएगा? जिन 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई या जिनकी सैलरी कट गई 30% 35% पिछले 8 महीने में 9 महीने में, उनकी जिंदगी पे क्या फर्क आएगा इस बजट के बाद? आज तक पर ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर रोहित सल्दाना ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल किए, जिस पर भाजपा नेता विपक्ष पर दोष डालते नजर आए। लेकिन ऐसा होता देख रोहित सल्दाना ने भाजपा नेता को तीखे सवालों में उलझाकर सही जवाब देने को कहा। क्या आप तिरंगे का अपमान भी बर्दाश्त करेंगे और निंदा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुझे हुए दिए की राजनीति जल ना उठे? तो ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है इन लोगों से, में 4 महीने तक किसान लोग का नेता कब्जा के बैठे रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है हमारा। मैं उत्तर देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत आते हैं आपके राष्ट्रीय उत्सव के समय, देश की राजधानी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की लेयर में होती है, उस वक्त देश की राजधानी में दंगा हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लाल किले पर चढ़कर उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना, वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? नहीं कर पाते आप, किसी भी समय नहीं कर पाए, देश की राजधानी बार बार बंधक बन जाती है और आप उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर बार। किसानों के मुद्दे पर हुई एक और डिबेट में एंकर रोहित सल्दाना ने संबित पात्रा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ सवाल किए।
अपने जवाब में संबित जब विपक्ष पर उंगली उठाने लगे तो रोहित ने संबित को बीच में टोक कर तीखे सवाल किए, जिस पर संबित बात को गोल घुमाते नजर आए। टी जी की, मान साहब की, अनिल जी की, जोशी जी की, जिनको आपकी सरकार, खुद हमारे सरकार के समय वो एक्सपर्ट नहीं, आपके सरकार के समय वो चेयरमैन डायरेक्टर इत्यादि थे, वो आपको आज बिके हुए और गए गुजरे लोग दिखते हैं, मगर ये कन्हैया कुमार और शैला रशीदी आपको कमेटी के अच्छे सदस्य नजर आते हैं। माफ करिएगा, देश ये नहीं मानती है। लेकिन किसने कहा आपको कि शैला रशीद या कन्हैया कुमार को कमेटी में ले आइए? किसने कहा योगेंद्र यादव को कमेटी में ले आइए? अरे ये और तो ये किसको चाहते हैं बताए तो सही, ये यही चाहते हैं आप? अभी शैला रशीद और खालिद उमर खालिद को ले आइए, चाहने से कमेटी नहीं बनेगी ना सर। नाचते हुए देखेंगे, सरकार आपकी है, अदालत को सुझाव आप दे सकते हैं, इनके चाहने से थोड़ी ना कमेटी बनेगी। ना ना, इनके चाहने से होता तो कानून हटेगा कमेटी बनेगी रोहित जी? नहीं रोहित जी, ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना इनके चाहने से कमेटी बनेगी ना हमारे चाहने से कमेटी बनेगी। कमेटी बनी है देश के सर्वोच्च न्यायालय के चाहने से, उनके विवेक के आधार पर। आज तक पर चीन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने चीन के भारत की सीमा में घुसने को लेकर भाजपा नेता गौरव भाटिया से सवाल किए। अपने जवाब में वे सरकार द्वारा लिए फैसलों की तारीफ करते नजर आए, पर एंकर ने ऐसा होता देख भाजपा नेता को टोका और असल स्थिति पर जवाब देने को कहा। ड्रैगन को तो हम निपटा चुके हैं, आगे भी निपटाएंगे, लेकिन ये आस्तीनों के सांपों का क्या करें, ये बात इनसे पूछिएगा। सर, मैं आज पूछ लेता कहता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारे भारत के अगर चीन ने वहां निर्माण किया इस एक साल के भीतर जब आपकी सरकार थी, तो उसकी जिम्मेदारी क्या जवाहरलाल नेहरू की है, जिन पर आपका आरोप है कि उन्होंने वो जमीन गिफ्ट कर दी? रोहित जी, नियंत्रण किसका है, सवाल ये क्या उत्तर नहीं है आपके सवाल का? नहीं, नियंत्रण किसका है, मैंने अभी आपको बिल्कुल सीधा जवाब दिया। मतलब ये है कि चीन वहां निर्माण कर सकता है? बात नहीं, भारत की सरकार ये मानती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, आज ये विवाद चल रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और ये विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू नहीं हुआ है ना रोहित जी? रात 9 बजे खबरदार देखा कीजिए, श्वेता सिंह वहां खड़ी है, एक एक पहाड़ी से, एक एक जगह से तो तस्वीरें वहाँ की लाइव दिखा रही है, ये भी बता रही है कहाँ चीनी फौज है कहाँ नहीं है। तो आप कहिए, इसलिए सर, हमने सर तो इसलिए मुझे ये ना बताएं, प्लीज सर, प्लीज, मैं केवल आप लोगों से तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, मैंने तथ्य से इतर कहीं कोई रेटोरिक में सवाल नहीं पूछा अब तक। अगर सभी एंकर इसी तरह सरकार के नेताओं से सवाल करते रहेंगे तो शायद जनता को उनके सवालों के कई जवाब भी मिल जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया ऐसे ही सरकार से सवाल करता रहे और जनता के मुद्दे उठाता रहे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.